बीजेपी नेता का बड़ा खुलासा। राजकुंद्रा मामले में दिखाई एक ऐसी वीडियो जिसने खोल दी राजकुंद्रा की सारी पोलपट्टी। जी हां, अश्लील मामले में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राजकुंद्रा पर लगा एक और गंभीर आरोप। दरअसल महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम का दावा है कि राजकुंद्रा ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए 3,000 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिसके उन्होंने कुछ कागजात भी दिखाए और राजकुंद्रा के खिलाफ सबूत होने का दावा भी किया। राम कदम ने कहा कि राजकुंद्रा ने वीआर इंडस्ट्रीज ने गॉड ऑफ डॉट्स नाम से एक गेम लॉन्च किया था और इसके जरिए वो युवाओं से ठगी करता था। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि राजकुंद्रा ने इस गेम के प्रचार के लिए उनकी पत्नी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का भी इस्तेमाल किया था। राम कदम ने यह भी कहा कि राजकुंद्रा की कंपनी वीआर इंडस्ट्रीज ने गेम को लेकर दावा किया था कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक है, सभी लीगल प्रक्रियाओं का पालन करेगी। खेल में इनाम की राशि देने के नाम पर ठगी की गई। राम कदम ने कहा कि इसके जरिए 2500 से 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। राम कदम ने कहा कि गेम के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर लोगों से 15 से 20 लाख रुपए लिए गए, बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ और पैसे मांगने राजकुंद्रा के ऑफिस गए तो उनके साथ मारपीट हुई। राम कदम ने यह भी दावा किया है स्थानीय पुलिस की मदद से लोगों को चुप भी करवाया गया। नेक्स्ट लाइव रजनी की रिपोर्ट।